प्यारे बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्य पुस्तक में तीन प्रकार की पुस्तकें रखी गई है। इस बार हिंदी पाठों की श्रृंखला में हमारे कक्षा में एक तो पुस्तक है बसंत और दूसरी है भारत की खोज और तीसरी है दुर्वा। बसंत और भारत की खोज चूँकि अपने राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों में विशेष तौर से पढ़ाई जाती है और दुर्वा है वो पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर साइड में वहाँ पढ़ाई जाती है। तो अपनी बसंत जो पुस्तक है उसमें पहला जो पाठ है अपना वो है कुड़िया। एक कुड़िया एक कविता का शीर्षक है जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता में कवि ने गुड़िया के माध्यम से एक बच्चे के नन्हे मन में या बच्चे के जो भाव है वो बताएं, हमारे बचपन की याद दिलाने के लिए इस प्रकार की ये कविता बड़ी सुंदर कविता रची गई है। आज हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर गुड़िया। देखिए मेले में हम सब जाते हैं, मेले में कितनी भीड़ होती है और जगह जगह तरह तरह की खिलौने तरह तरह की मिठाइयाँ और मेले में हर प्रकार की चीज़ बेची जाती है। बच्चों का जो विशेष ध्यान है वो खिलौनों पर जाता है। तो इस प्रकार से कवि ने एक बच्चे के मन की बात को बताते हुए कहा है कि मेले से लाया है उसको छोटी सी प्यारी गुड़िया बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर गुड़िया। कवि ने इसमें कहा है कि मैं इस गुड़िया को एक मेले से खरीद कर लाया हूँ जो बहुत ही प्यारी है बहुत ही सुंदर है। इसे कौन बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। बुढ़िया यानी एक बुजुर्ग महिला। नुक्कड़ यहाँ एक शब्द है जो आपके लिए नया होगा। नुक्कड़ मेले में किसी एक किनारे पर एक कोने में बैठकर खिलौने बेच रही थी। तो उस बुढ़िया से मैं इस गुड़िया को खरीद कर लाया हूँ। मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजा कर देख लिया। देखिए मोल भाव, इस गुड़िया का जो मूल्य है वो पूछ कर अच्छी भली भांति इस मूल्य को पूछा है। उसके बाद में ठोक बजा कर देख लिया। देखिए ठोक बजा कर यानी उसको ढंग से देखा है, कहीं टूट फूट न जाए, नहीं कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, अच्छी प्रकार से भली भांति ठोक बजा कर देख लिया यानी अच्छी प्रकार से देख कर लाया। आँखें खोल मूंद सकती है ये कहती है पिया पिया। इस गुड़िया की विशेषता एक विशेषता है कि ये आँखें मूंद सकती है। मूंदना यानी बंद करना होता है। आँखें को मूंद भी सकती है और ये कहती है पिया पिया और ये बोलती भी है, ये पिया पिया की ध्वनि निकालती है। जड़ी सितारों से है इसको इसकी चुनरी लाल रंग वाली बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। देखिए गुड़िया का रूप बड़ा सुंदर है। इसकी जो चुनरी है वो जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली। चुनरी का रंग क्या है? लाल है। और वो चुनरी भी किससे जड़ी हुई है? सितारों से। अच्छी प्रकार से उसके ऊपर कसीदाकारी की गई है। बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। देखिए खिलौने में भी जिस गुड़िया के आंखों के बारे में चित्रण किया गया है उसमें बताया कि उसकी आंखें गोल गोल और काली काली यानी काली आंखें बड़ी मतवाली है और बड़ी भली है इसकी आंखें। बड़ी आंखें भोली बाली, भली यानी भोली बाली इसकी आंखें। ऊपर से है बड़ी सलोनी
अंदर गुदड़ी है तो क्या। देखिए उस गुड़िया के अंदर, गुड़िया किससे बनी है, गुदड़ी यानी चिथड़े टूटे फूटे फटे पुराने कपड़ों की गुदड़ी से बनी हुई है, और ऊपर से बड़ी सलोनी, ऊपर से बड़ी सुंदर लगती है। जो गुड़िया तू इस पल मेरे, ओ गुड़िया सॉरी ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। देखिए कभी कहते हैं कि ये जो गुड़िया है इस, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे यानी इस क्षण इस समय मेरे मन पर शिशु मन पर विजयी माया, यानी शिशु मन, जो शिशु का मन है, जो बच्चे का जो मन होता है, ये खिलौने के लिए बड़ा तरसता है, उस पर मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो खिलौना देखकर बच्चा उमड़ने लगता है और हर संभव वो लेने की प्रयास करता है। इस प्रकार से आगे आगे की कड़ी, रखूंगा मैं इसे खिलौनों की अपनी अलमारी में, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। देखिए कवि कहते हैं कि मैं इस गुड़िया को रखूंगा तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में। देखिए जो बच्चा होता है उसकी जो अलमारी है, उसका जो बक्सा है, उसके अंदर रंग बिरंगी अनेक प्रकार के खिलौने, रंग बिरंगी गुड़िया, कभी दूसरे प्रकार के कोई जानवर का को खिलौना है, इस प्रकार के भांति भांति प्रकार के वो खिलौने रखता है। तो कभी कहता है कि मैं इस गुड़िया को भी रंग बिरंगे जो मेरे खिलौने रखे हैं उस अलमारी में, उस अलमारी में रखूंगा, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। कागज़ के फूलों की नन्ही, कागज़ के नन्हे से जो फूल रखे हुए हैं, फूल बने हुए हैं, या कागज़ के जो फूलों के जो खिलौने बने हुए हैं रंगारंग, यानी विभिन्न प्रकार के जो खिलौने बने उसमें इसको रखूँगा। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, रंग बिरंगे कपड़े रोज नए कपड़े पहनाऊंगा, तुझको रोज रोज सजाऊंगा, यानी रंग बिरंगे कपड़ों से साज सज्जा इसकी रोज में हमेशा करता रहूंगा। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, खेल खिलौनों यानी खेल खिलौनों, बच्चा बच्चे का मन होता है खेलने के लिए, गुड़ियों के साथ खिलौनों के साथ खेलता है, तो खेल खिलौनों की दुनिया में जब खेलेंगे उस समय मैं तुझे परी बनाकर खिलाऊंगा। इस प्रकार से कुंवर नारायण ने ये बड़ी सुंदर कविता लिखी है, जिसमें इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे बाल मन को, हमारे बचपन को पुनः याद किया गया। हम सबके बचपन में इस प्रकार के दिन आए होंगे, तो इसके शब्दार्थ देख लीजिए आप एक बार, बड़े सरल हैं। नुक्कड़ यानी कोई मोड़ या कोई किनारा छोर जिसको कह सकते हैं, मूंदना, मूंदना मतलब बंद करना, चुंदरी ओढ़नी को कहते हैं, और उसके बाद में है भली यानी अच्छी प्रकार से सुंदर, और उसके बाद है सलोनी, सलोनी का अर्थ होता है सुंदर, इसी प्रकार से गुदड़ी, गुदड़ी फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई, बनाया गया बिछावना जिसको कह सकते हैं, शिशु मन बाल मन जिसको कह सकते हैं, जो भोला मन होता है बच्चे का, रंगारंग रंग बिरंगे, और रोज यानी हमेशा हर दिन। तो प्यारे बच्चों ये थी अपनी गुड़िया, एक बड़ी सुंदर कविता जिसका भाव इस प्रकार से है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें अपने बाल मन को पुनर्जीवित किया है, अपने बचपन पुनः याद करने के लिए, और बचपन में जो हमारे साथ जो हमारे पल बीते हैं उसको अपनी कविता में अपने शब्दों से उन्होंने पिरोया है। बड़ी सुंदर कविता है, इसको ध्यान से पढ़ें। हाँ तो प्यारे बच्चों अभी हमने इस कविता को पढ़ा है और ध्यान से इसके बारे में हमने इसका सारांश जाना। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, गुड़िया को कौन कहाँ से और क्यों लाया है। तो आपको शायद इसमें पता लग गया होगा, गुड़िया को कौन लेके आया है, कभी कहाँ से, मेले से, और क्यों लाया है, गुड़िया खिलौने को क्यों लेके आते हैं, बच्चा जो होता है वो मेले से या कहीं से खिलौना लेके आता है तो किस भाव से लाता है, वो खेलने के लिए। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है, किस प्रकार की है,
अभी हमने पढ़ा है वो इस कविता में, बुढ़िया जो है बड़ी सुंदर है, मतवाली है, काली काली आंखों वाली है, ठीक है, उसके उसने लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी है, चुनरी पर सितारे लगे हुए हैं, तारे लगे हुए हैं, ठीक है, इसका आंसर हमें मिल गया। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई है। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें बताई है, वो कौन कौन सी है इस कविता में हमें मिल जाएगा आंसर इसका। कविता की मैं जो गुड़िया की विशेषता है, गुड़िया के बारे में जो चर्चा की गई है कि ये इस प्रकार की गुड़िया है, मन भोले मन की भोली भाली सी सुंदर सी दिखने वाली गुड़िया। और तीसरा जो आंसर है अपने, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें जो बताई है उससे कोई दो बातें लिखनी है, कोई सी भी दो बातें लिखनी है। ठीक, चलिए हम एक बार उसको देख लेते हैं। कवि ने देखिए क्या विशेषता बताई, दो ही बातें लिखनी है सिर्फ। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली, ठीक है, एक यानी काली काली आंखों वाली बड़ी सुंदर है, भोली भाली सी दिखने वाली, बड़ी बड़ी सी आंखें, ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुजरी है तो क्या, यानी ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है। और उसके बाद में अगर हम लिखना चाहें तो उसको ऊपर की पंक्तियों में देखें, आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया, आंखें खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है और पिया पिया की ध्वनि निकालती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अगला जो प्रश्न होगा वो है तुम्हारी बात। इसमें हम ये जो कविता है उसमें लिखा है कि खेल खिलौनों की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा और बचपन बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होंगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताइए। हम सब बचपन से गुजर चुके हैं और आप लोग बच्चे हैं, तो अपने पसंद का कोई खिलौना कौन सा है, किससे ज़्यादा आप प्यार करते हैं, कौन से खिलौने को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बारे में लिखना है। मोल भाव करके लाया हूँ, थोक बजा कर देख लिया, अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना है तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे, इसके बारे में लिखना है। थोक बजा के यानी खिलौना टूट न जाए ढंग से देख कर परख कर लाना है, कितने मूल्य का है, सभी चीज़ें देख कर हम लाएंगे। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। इस प्रकार से कवि ने जिस प्रकार से गुड़िया खरीदी है, तुम भी अब मेले में जाओगे तो किस प्रकार की क्या चीज़ें खरीदोगे, अपने मन से लिखना है। और ये तीसरा जो है वो है भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में भी प्रसिद्ध है, ठीक है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे मेले लगते हैं। तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला कौन क्यों लगता है, कारण क्या है, मेले लगने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं, क्या करते हैं, इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता से कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम इतने ही आंसर करेंगे। धन्यवाद।